नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है और बताया जाता है कि पर्यावरण मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से आज रीवा जिले में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आज के दिन नगर निगम द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जो कि किला प्रांगण के गेट से शुरू होकर नगर भर में भ्रमण किया। इस रैली को स्वास्थ्य अधिकारी एसके चतुर्वेदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना था और साथ ही इस दौरान लोगों से अपील भी की गई कि पॉलीथिन का उपयोग कम करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में काम करें। इसके अलावा TRS कॉलेज के मैदान में भी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खेल युवा कल्याण द्वारा पर्यावरण दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें SP नवनीत भसीन द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को शुरू किया गया। TRS कॉलेज के ग्राउंड से सुबह 7 बजे दौड़ कार्यक्रम आयोजन की शुरुआत हुई, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए शपथ भी दिलाई गई। ये दौड़ TRS कॉलेज मैदान से शुरू होते हुए शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा होते हुए शहर भर में दौड़ कर वापस TRS मैदान में खत्म हुई। आपको बता दें कि इस दौड़ में काफी संख्या में युवा शामिल हुए। रीवा जिले में आए दिन विवाद की खबरें बढ़ती जा रही हैं और विवाद इतना बढ़ जाता है कि बात हत्या तक पहुंच जाती है। ताज़ा मामला रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से आया है, जहां पैसे के लेन देन के विवाद में शुभम सोनी नामक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे युवक लहूलुहान हो गया और अपनी दुकान के पास ही गिर गया। आनन-फानन में घायल युवक के दोस्तों ने उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। युवक की हालत पर डॉक्टरों ने भी चिंता जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह घटना 7 बजे की बताई जा रही है, जहां अपनी दुकान के पास युवक बैठा था और पैसे के लेन देन पर अंकित नामक युवक से उसका विवाद हुआ और फिर चाकू से हमला कर दिया गया। रीवा शहर में बढ़ते आपराधिक वारदातों को देखते हुए जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर बीते दिन शहर में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी थानों की पुलिस ने वाहन चेकिंग कर शहर में तमाम आपराधिक घटनाओं पर नजर रखी हुई थी। शहर के शिल्पी प्लाजा के साथ साथ सिरमौर चौराहा, मार्तन तिराहा सहित विभिन्न चौराहों एवं मुख्य बाजारों में पुलिस तैनात दिखी और चेकिंग की गई। इस दौरान कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शहर में वाहन चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है और इस कारण लोगों को असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। रीवा के गुड़नगर परिषद में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को ठोकर मार दी, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल बताया गया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक सरपंच और पंच पद के प्रत्याशी थे, जो गुड़ तहसील में पर्चा दाखिल करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से गुड़ से रीवा की ओर आ रहे थे और जैसे ही गहरी बकरा के पास पहुंचे, तभी आगे जा रहे ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें संजय कोल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दयाशंकर तिवारी को घायल अवस्था में संजय गांधी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया है। अगली खबर की बात करते हैं। पूरे विश्व में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर रीवा जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रशासन द्वारा पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में विप्र सेवा संघ द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के जयंती कुंज में 300 पौधों का पौधारोपण किया गया। विप्र सेवा संघ के सभी लोगों का यह कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष बेहद जरूरी हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को बचाने के लिए पौधारोपण जरूर करें। 6 जून को पंचायत चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है और इससे पहले तमाम उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस बीच पटना सिरमौर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए स्वर्गीय अशोक सिंह की धर्मपत्नी मीना सिंह ने वार्ड क्रमांक 10 बरो से नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि स्वर्गीय अशोक सिंह आर्मी में काम करते थे और देश के लिए शहीद हो गए। मीडिया से बात करते हुए मीरा सिंह ने कहा कि जिस तरह एक फौजी प्रत्येक पल अपने देश की सेवा के लिए समर्पित रहता है, उसी तरह वह अपने गांव वासियों के लिए समर्पित रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिला होने के नाते गाँव में महिला सशक्तिकरण पर वह ज्यादा जोर देंगी। अगली खबर उमरिया जिले से। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में बाबूलाल रत्नाकर भारतीय स्टेट बैंक में गए थे और उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वहां पर वह गिर गए। लोगों ने 108 की मदद के लिए संपर्क किया, लेकिन समय से 108 नहीं पहुंची। बाबूलाल रत्नाकर को बैंक में चक्कर और उल्टी होने लगी, वहीं पर वह गिर गए। मौजूद लोगों ने 108 की मदद लेनी चाहिए, लेकिन मदद के लिए समय पर 108 नहीं पहुंची। समय से 108 का नहीं पहुंचना एक गंभीर मामला है। वहां पर उपस्थित लोगों ने मदद की और ऑटो बुलवाकर ऑटो से रीजनल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार हुआ।
बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। सतना जिले के उचेहरा थाना इलाके के परसमनिया रोड में सड़क हादसे से 8 से 10 यात्री घायल हो गए। बता दें कि पूरा आदिवासी परिवार शादी कर मैहर से सलेहा जा रहा था और बस में लगभग 45 से 50 लोग सवार थे। सलेहा जाते समय बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जहां से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक यह बस 11 KV विद्युत तार की चपेट में आ गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। इस दौरान सिविल अस्पताल मैहर में विधायक नारायण त्रिपाठी भी पहुंचे और घायलों का हाल जाना। आपको सुनाते हैं नारायण त्रिपाठी ने क्या कहा। आज बस का एक हादसा हुआ है जिसमें काफी लोग गंभीर हुए। इस तरह की बिजली विभाग की लापरवाही से ये हादसा हुआ, जनहानि नहीं हुई, ये बहुत अच्छा माइक क्या है। देखिए, ये भी एक दुर्घटना है, पर बिजली विभाग के संबंध में अब मैं किस तरह कैसे क्या बोलूँ, कौन जेई को हम जिम्मेदारी दें, कौन डी को जिम्मेदारी दें, कौन एससी को जिम्मेदारी दें, कौन सी को जिम्मेदारी दें। सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं इसमें जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, CMD हो गए, MD हो गए, विभाग के मंत्री हो गए, विभाग के प्रमुख सचिव हो गए, जो बिजली विभाग के ये जिम्मेदार लोग बैठते हैं, यदि कोई घटना घटती है तो हर घटना से अपना पल्लू झाड़ने का काम किया जाता है। आप गांव में देख लो, केबल नीचे ज़मीन में झूलती होगी, आदमी के पहुंच तक में तारें मिलेंगी आपको, जो 30,000 KV की जो बड़े बड़े टावर हैं उनके नीचे घर बने हुए हैं। घर बने हुए अब यदि वो आवेदन लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ये केबल किनारे कर दिया जाए, नहीं कभी घटना घट जाएगी तो बिजली विभाग कुछ नहीं कर पाता, लाचार बेबस खड़ा रहता है। लोग आगे घर नहीं बनवा सकते, घर के बगल में ट्रांसफार्मर लगाए, घर में आग लग जाती है, पर यदि वो अप्लाई करता है कि मेरे घर के बगल में ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर को दूर कर दिया जाए, नहीं घर में आग लग जाएगी, हमारे मवेशी मर जाते हैं, हमारे गऊ मर जाती हैं, हमारे गांव में आदमी ख़त्म हो जाते हैं इन बिजली की तारों की चपेट में आकर, इन ट्रांसफार्मरों के आग के लपेटे में आकर। पर कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, कोई भी सक्षम अधिकारी न जिम्मेदारी लेता और अपने आप को किनारे कर लेते हैं। जब कोई घटना घटती है तो एक दो घंटे के लिए लोग सोच लेते हैं, इसके बाद उस घटना की गंभीरता के बारे में कोई नहीं जाता। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ऊर्जा विभाग के मिनिस्टर, सबसे जिम्मेदार हैं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, सबसे जिम्मेदार हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। इस विषय में ध्यान दें, लोग मर रहे हैं बिजली की चपेट में आकर, तमाम करंट से गौ मवेशी आदमी सबकी जाने जा रही हैं। केबल की व्यवस्था करें, केबल के साथ साथ जो ट्रांसफार्मर घर के बगल में लगे हैं उनको दूर किया जाए, जो केबल नीचे झूल रही हैं उनको ऊपर कर दिया जाए। हम लोग दिन में 20 बार फोन लगाते हैं कि इस गांव की बिजली जमीन की केबल जो है ज़मीन में है, इनको ऊपर कर दीजिए, कोई बड़ी घटना घट जाती। जब बड़ी घटना घट गई तो हम लोग भी मीडिया में प्रकट हो गए और मीडिया भी सक्रिय हो गया। ना मीडिया कुछ कर सकता, ना कोई नेता कर सकता, इसको करेगा तो जो इसके सक्षम जिम्मेदार लोग हैं, ऊर्जा विभाग करें, मंत्री करें, मुख्यमंत्री करें और CMD जो प्रमुख अधिकारी जो इस कुर्सी में बैठे हैं वो जिम्मेदारी लें और प्रमुखता से काम करें, अन्यथा बिजली की चपेट में लोग, घर परिवार के लोग मरते रहेंगे और हम इस तरह खड़े होकर। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।